नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल उत्तराखंड यात्रा में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में चमोली गढ़वाल में स्थित गोरसों बुग्याल के बारे में बताने वाले हैं। गोरसों बुग्याल औली से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर तथा समुद्र तल से लगभग 3056 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह हरे भरे चरागाहों का एक बड़ा भूभाग है जो शंकुधारी वन और ओक के पेड़ों से घिरा हुआ है। आप छत्रकुंड की ओर भी ट्रेक कर सकते हैं जो गोरसों बुग्याल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। छत्रकुंड अपने मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है और घने जंगल के बीच में स्थित है। एशिया के सबसे लंबे और सबसे ऊंचे रोपवे पर सवार होकर दुनिया की कुछ सबसे बड़ी चोटियों के दृश्य का आनंद ले सकते हैं। स्थानीय लोगों और मवेशियों के लिए ये चारागाह का काम करते हैं, तो यात्रियों और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए घूमने की जगह व कैंपसाइट का काम करते हैं। यह गढ़वाल में अब तक के सबसे रोमांचकारी ट्रेकिंग ट्रेल्स में से एक है। ऋषिकेश से ट्रेक शुरू होता है, उसके बाद ट्रेकर्स औली तक एक रोपवे पर सवारी करेंगे। एक बार ट्रेकर्स औली पहुंचने के बाद वे गोरसों बुग्याल की ट्रेकिंग शुरू कर देंगे। ट्रेक का सबसे अद्भुत हिस्सा नंदा देवी पर्वत है। यहाँ से हिमालय के पहाड़ों का एक सुंदर दृश्य पूरे रास्ते में ट्रेकर्स को दिखाई देगा। बड़ी संख्या में पर्यटक ग्रीष्म काल और सर्दियों दोनों में इस रमणीय स्थल की यात्रा करते हैं। औली गोरसों बुग्याल जाने वाले ट्रेकर्स के लिए एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। गोरसों बुग्याल के साथ साथ नंदा देवी शिखर, हाथी घोड़ा चोटी, द्रोणागिरी चोटी, चौक खम्बा चोटी जैसी शानदार चोटियों के दर्शन करना। हरे भरे औली गोरसों बुग्याल से चलकर प्रकृति की महानता का अनुभव करे तथा भागीरथी और अलकनंदा के संगम के लिए जाना जाने वाला एक पवित्र स्थान देवप्रयाग में पवित्र स्नान करें। औली गोरसों बुग्याल ट्रेक की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय ग्रीष्म काल अप्रैल मध्य जून और सर्दियां अक्टूबर दिसंबर हैं। वर्षा ट्रेक की सुंदरता को बढ़ाती है। जंगल और घास के मैदान हरे भरे हो जाते हैं और फूलों की संख्या बढ़ जाती है। सर्दियों के मौसम में औली में भारी बर्फबारी होती है। सर्दियों के महीनों के दौरान परिदृश्य सुंदर दिखते हैं। पहाड़ बर्फ के एक कंबल से ढके रहते हैं, तब यह जगह मिनी स्विट्जरलैंड जैसी दिखती है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।